हाईटेक होती राजधानी पुलिस ने डिजिटलीकरण की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। दिल्ली पुलिस ने आम लोगों के लिए QR कोड आधारित पब्लिक फीडबैक सिस्टम अनुभूति की शुरुआत की है। इस सिस्टम के जरिए कोई भी आम नागरिक पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सुझाव दे सकता है। दिल्ली पुलिस ने नागरिक पुलिस संबंधों को मजबूत करने के मकसद से ये नई शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान रोबोट ने पुलिस अधिकारियों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि इन तीन पहलों ने दिल्ली पुलिस के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण में नए आयाम जोड़े हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा वितरण प्रणाली में सुधार एवं लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग आवश्यक है। अस्थाना ने कहा कि ये फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम एक पेपरलेस फीडबैक सिस्टम है। वेबसाइट को न सिर्फ अपडेट किया जाए बल्कि रिफर्बिश करके इस तरह से रखा जाए जिसमें दिल्ली पुलिस के जितने भी काम हैं, जितने भी इनिशिएटिव हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, एक जगह जनता को मिल सके, हमारे अधिकारियों को मिल सके, या गवर्नमेंट में जो भी हमारे साथ काम करते हैं या हमारा सुपरविजन करते हैं उनको मिल सके, जिसमें दिल्ली पुलिस की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि ये इनिशिएटिव भी हमारे जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा और अच्छा बनाएगा। जो लोग भी इसको यूज करेंगे उनको दिल्ली पुलिस से सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होगी। तीसरा सॉफ्टवेयर है ई चिट्ठा का सॉफ्टवेयर। कमिश्नर के मुताबिक नागरिकों को पुलिस स्टेशन के QR कोड को स्कैन करना होगा और फीडबैक प्रतिक्रियाओं को चिन्हित करना होगा। प्रतिक्रिया डेटाबेस का उपयोग पुलिस सार्वजनिक इंटरफेस में सुधार के लिए विश्लेषण और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए किया जाएगा। उपयोगकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।